नमस्कार, एमपी न्यूज कास्ट में आपका स्वागत है। मैं हूँ आपके साथ दीप्ति भटनागर। आइए शुरुआत करते हैं दिनभर की कुछ खास खबरों के साथ। कलेक्टर एवं नगर निगम प्रशासक प्रियंक मिश्रा गुरुवार की दोपहर 1 बजे नगर निगम के आकस्मिक निरीक्षण पर पहुंचे। सबसे पहले कुर्सी पर एक अनाधिकृत व्यक्ति को शासकीय कार्य करते देख कलेक्टर भड़क उठे। उन्होंने तत्काल अवैध कर्मचारी पर कार्यवाही के निर्देश देने के साथ ही उसकी वेशभूषा पर भी एतराज जताया। कलेक्टर ने कहा कि पंडिताई करनी है तो घर पर करो। नक्शा विभाग पहुंचकर कलेक्टर ने पूछा कि बरगवा मॉल में बेसमेंट की अनुमति दी है तो जाकर देख कर आओ। एनकेजे निवासी राजकुमार मेहरा ने गरीबी रेखा कार्ड न होने की शिकायत की। कलेक्टर ने राजकुमार की बात को गंभीरता से सुनकर अधिकारियों को आवश्यक निर्देश दिए। उसके पुत्र की शिक्षा के लिए स्कूल में एडमिशन कराने के भी निर्देश दिए गए। कलेक्टर ने पुराने रिकॉर्ड को हटाने की बात कहते हुए आवश्यक रिकॉर्डों को सुरक्षित रखने कहा। नगर निगम में गंदगी देखकर भी कलेक्टर ने आयुक्त से एतराज जताया। भवन निर्माण शाखा में कलेक्टर ने पूछा कि कितने भवनों को गिराने हाईकोर्ट से आदेश है तो जवाब मिला कि एक भी नहीं। नामंत्रण शाखा के निरीक्षण में कलेक्टर ने नामंत्रण प्रक्रिया को सरलीकरण करने के लिए कमेटी बनाने के निर्देश दिए। तहसीलदार कमेटी पर आवश्यक सुझाव देंगे। आवास योजना और पेयजल समस्या पर भी कलेक्टर ने संबंधित अधिकारियों को निर्देश दिए। कटनी शैलेश पाठक की रिपोर्ट। इसलिए या कुछ ऐसा होना चाहिए कि वो लोक सेवा में चली जाए और वो चली जाए और ये आदमी लोक सेवा गया था ना, इसको वहाँ से पता चल जाना चाहिए था कि एसडीएम ने इसका कर दिया, इसको नगर निगम की माना है ना। और आप जो करेंगी उसकी प्रतिलिपि आप इनको दे सकते, इनका काम है। तो आप लोगों ने तो जो लोक सेवा देनी है उसका क्या मतलब है कि अगर ये इसको ये तो सिंगल विंडो का कोई मतलब नहीं है। आज भी पहले लोक सेवा के एसडीएम कार्यालय भी गए थे क्या, तहसील भी गए थे क्या, तहसील ली गए लोक सेवा के अंदर। और तुम लोग एक दिन में कितने बनाते हो, महीने का कितना बनाते, महीने में 7 बनाते हैं ना, तो उसको 1 से 5 के बीच में तत्काल भेज दिया था वो भेजते रहो। आप मासिक पत्र भेजते रहो, लेकिन आप अगर ये सुनो तो क्या नाम है तो एसडीएम अगर आपको तत्काल बता देंगे तो आप तत्काल बता दो। 19-4 का उसकी वो पात्रता है, वो 20 दिन आपके इसमें डिले हुए कि आपने उनको नहीं बताया। आप सिस्टम में जो 20 दिन का डिले रख रहे हो ना, वो आपके लिए नहीं, लेकिन आपके नीचे वालों के लिए वो एक डार्क एरिया आ गया। अच्छा, तुम्हें कोई फोन या मैसेज आया था कि तुम्हें पात्र कर दिया गया? तो आप कम से कम ये कर सकते हो कि जब 14 ही लोगों को आपको देना है तो आप इनको कम से कम जो भी तुम्हारे यहाँ बाबू है वो फोन नंबर तो दे ही सबका बता दे कि तुम्हारा पात्र हो गया है। और ये केवल 10 लोगों का करने के लिए हम इनको जो है महीने भर इधर उधर दौड़ा रहे, इसका कोई मतलब नहीं है। आप उनको करिए जो आप पात्र हैं, तो पात्र वाले आदमी को कोई चक्कर नहीं लगाना। उनके पैर में क्या दिक्कत है, डॉक्टर विकलांग नहीं करता। नहीं देखिए, संतुष्टि की बात यह है कि हमेशा बेहतर करने का हमारे पास विकल्प रहता है। नगर निगम बहुत महत्वपूर्ण कार्यालय होता है शहर का और बहुत लोगों का वहाँ डेली आना जाना होता है, तो संतुष्ट मैं अभी नहीं हूँ। मैंने यहाँ पे जो व्यवस्थाएं देखी उसके बारे में डिटेल में देखा है और नगर निगम आयुक्त भी साथ में थे और उनको भी मैंने बताया है और 15 दिवस का समय भी दिया है कि यहाँ जो आम जनता आती है उसको सुविधा मिले, उसको घुसते ही नगर निगम कार्यालय में पता रहे कि कौन सा कार्य करने के लिए उनको कहाँ जाना है, उनको भटकना ना पड़े। एक कॉमन जगह पे सारी सेवाओं के काउंटर हों, एक या दो जगह भी हो सकता है, और सेवाओं के लिए लोग उसी काउंटर पर आएँ जैसे लोक सेवा केंद्र बने हुए हैं, और वहाँ पे भी फिर उनके लिए एक वेटिंग के लिए एक जगह हो, उनको बैठा के बताया जाए, पानी पिलाया जाए, और उसके बाद पीछे का जितना भी काम है शाखाओं के आगे पीछे का जितना भी आदान प्रदान है जानकारी का, उसमें जो भी नियमानुसार समय लगता है, यदि एक दिन में लगता है तो एक दिन में हो जाए, यदि एक दिन से अधिक लगना रहता है तो व्यक्ति को बता दिया जाए कि आप अगले दिन आइए या 5 दिन बाद आइए या 7 दिन बाद आइए, तो आप यहीं पर आइए और आपको सारी सेवाएँ यहीं मिलेगी। इससे हम सिटीज़न सर्विस जो
मतलब जन सेवा है उसको हम बेहतर कर सकते हैं, क्योंकि बहुत से काम होते हैं नगर निगम में। पानी का कनेक्शन लेने भी लोगों को आना है, बिल्डिंग परमिशन लेने भी आना है, गरीबी रेखा का कार्ड लेने भी आना है, और कुछ शाखाएं यहाँ बहुत अच्छी चल रही हैं, और एक जनरल जो जिसे कहते हैं कि एक अव्यवस्था का जो माहौल रहता है उस पर काम करने के लिए 15 दिवस में नगर निगम कार्य योजना देगा, और उसके बाद जो भी समय लगे बट अच्छा कार्य हो, 1 महीना लगेगा तो 1 महीने में करके दिखाएंगे। बट नगर निगम में हमें व्यवस्थाओं को इम्प्रूव करने की ज़रूरत है, और भी कुछ कर्मचारियों के कुछ लोग अच्छा कार्य करते हुए पाए गए, कुछ लोगों का कार्य अच्छा नहीं था, उनको नोटिस दिए जाएंगे, उनके खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। सर, पीएम आवास जो विभाग है अपना कटनी का सबसे पिछड़ा है, क्योंकि 4-4 साल तक के अभ्यर्थी जो मतलब लाभार्थी हैं अपने और पात्र लोग हैं, वो 4-4 साल तक वेट करना पड़ रहा है, तो शकल देख कर ही यहाँ पे जियो टैग और उनके खातों में पैसे डलवा जा रहे हैं, ऐसी कई शिकायतें आ रही हैं। पीएम आवास का कार्य केसी बजाज स्कूल वहाँ से संचालित होता है, वहाँ मैं पहले भी एक बार जा चुका हूँ, और ये अब इस समय माननीय मुख्यमंत्री जी की प्राथमिकता भी है। जो फीडबैक आप दे रहे हैं या जो हमें वैसे मिलता है उस पर हम लोग कार्य करेंगे, यदि ऐसी बात है। समय पर कार्य होना चाहिए। नगर निगम में ये आवश्यक नहीं है कि सब लोग पात्र हों, चाहे आवास की बात हो चाहे गरीबी रेखा की बात हो, बट अपात्रता में भी पारदर्शिता होनी चाहिए, समय पे पता होना चाहिए और लिखित में बताया जाना चाहिए कि क्यों अपात्र किया जा रहा है, ताकि अगर सामने वाला अपील करना चाहे, पुनः आवेदन करना चाहे तो वो कर सके। यदि इसमें ऐसी कोई कमी होगी तो उसको भी हम सुधारें। शहर में अवैध निर्माण और अवैध प्लाटिंग को लेकर के लगातार चर्चाओं में रहा है, इस पर नगर निगम द्वारा सख्त कार्रवाई की जाती है? नहीं, कार्रवाइयाँ नगर निगम और राजस्व विभाग द्वारा पहले भी की गई हैं, आगे भी की जाएंगी। हम लोगों ने पूरे शहर में जो है लगभग पूरे ज़िले में लगभग 35 एकड़ 22 करोड़ की ज़मीनें मुक्त कराई हैं जब से ये अभियान चल रहा है, उसमें ज़्यादातर हिस्सा नगर निगम का ही है। लेकिन जो सिस्टम है कि परमिशन कैसे लेनी है, नामांतरण कैसे होता है, वो तो नगर निगम से ही होता है। तो आज मैं वही व्यवस्था देखने आया था कि यहाँ से कैसे सिस्टम को और दुरुस्त किया जा, लेकिन जो सिस्टम है कि परमिशन कैसे लेनी है, नामांतरण कैसे होता है, वो तो नगर निगम से ही होता है। तो आज मैं वही व्यवस्था देखने आया था कि यहाँ से कैसे सिस्टम को और दुरुस्त किया जा सकता है, आम जन के लिए समस्या सिस्टम को आसान कैसे बनाया जा सकता है, और गलतियाँ ना हो इसके लिए कैसे और उसमें चेक्स और बैलेंस लगाए जा सकते हैं। तो सर, वर्तमान में पेयजल की गंभीर समस्या है, इसको लेकर पेयजल के लिए मैं आने वाले दिनों में सभी अपने निवर्तमान पार्षदों के साथ और जनप्रतिनिधियों के साथ बैठूँगा, इसी हफ्ते या अगले हफ्ते की शुरुआत में बैठूँगा। समस्या विकराल ज़रूर है, कुछ हो सकता है हमें पानी में कटौती भी करनी पड़े, और जो लोग, मैं सभी से आग्रह करूंगा कि जहां जहां नल का कनेक्शन है और पानी आ रहा है, बहुत सोच समझ के जल का उपयोग करें, कम से कम व्यर्थ करें। नलकूप खनन पे भी जो है नगर निगम कार्य कर रहा है, हमने 70 हैंडपम्प कितने की दी थी है, 70 बोरिंग की अनुमति दी है, बट खुदवाएंगे वहीं जहाँ पर सबसे ज़्यादा ज़रूरत होगी। समस्या है, समस्या से इनकार नहीं किया। कल जैसे पानी की मांग को लेकर यहाँ प्रदर्शनकारी भी पहुँचे गए थे, नगर निगम ने उनके ऊपर टैंकर से ही पानी छोड़ दिया, ये कहाँ तक जाए जाए नहीं। अगर मैंने भी अखबारों में आज इस चीज़ को पढ़ा है, और ये स्थिति ठीक नहीं है, इस पे नगर निगम से मैं लिखित में रिपोर्ट भी लूँगा कि ऐसा क्यों किया गया है। जल बिल्कुल व्यर्थ नहीं होना चाहिए, और लोगों की मांग लोगों को इस तरीके से प्रकट करना पड़ रहा है, ये भी अच्छी बात नहीं है। तो मैं इसमें निश्चित ही आने वाले समय में हम लोग कार्रवाई, पानी बर्बाद कर दिया, लोगों पर छोड़ दिया, क्या दोषी कार्रवाई नहीं, अब पहले पता कर लें। देखिए, वो भी एक तरीका होता है क्राउड कंट्रोल करने का, बट अगर उसमें उससे बचा जा सकता था या वो उस व्यवस्था से बचा जा सकता था, ये एक बार मैं इनसे पहले लिखित में रिपोर्ट लेके फिर कार्रवाई। 2017 से आपके कार्रवाई ठीक सामने हो रहा है, कौन सा आपके कार्रवाई ठीक सामने किस नाम से हो रहा है? जगदीश पटेल के नाम पे। जगदीश पटेल, 4 बार मैं लेके आया हूँ, आपको भी कार्रवाई नहीं हुई। अच्छा, इसको आप दिखवा के मुझे बताइए। नोटिस दिया है आपने? सर, एक साल से नोटिस काम चल रहा है। नहीं, ठीक है, अब आप अब इसको कार्रवाई करवा। 2017 से फायर ब्रिगेड खरीदी के लिए टेंडर प्रक्रिया चल रही है, अभी तक नहीं। फायर ब्रिगेड तो 3 हैं हमारे पास, और 2 उसमें से अभी ख़राब थी, तो उसके भी बना हो गए, बन गई हैं। तो अपने पास 3 फायर ब्रिगेड हैं, टोटल कितनी है? 3 फायर ब्रिगेड हैं, वो चलें, समय पर पहुँचें, ये ज़्यादा ज़रूरी है। कटनी ज़िले के जो हमारे जो सीमाएं हैं, जितना बड़ा कटनी शहर है, उसके हिसाब से मैं नहीं समझता कि 3 कम है, 3 पर्याप्त है, लेकिन ऐसी स्थिति में होनी चाहिए कि तीनों चलें। तो बीच में वो ख़राब थी, मैंने भी इसको संज्ञान में लिया था, और अब उसमें मरम्मत करा के बनवा दिया। क्योंकि दूरी अधिक होती है सर, सूचना देखिए, अभी हमने तत्काल में एक यहाँ की जो